आयुर्वेद समाधान को आप लोग आज ही सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको दिमाग को तेज करने के सफल प्रयोग बताएंगे। दोस्तों हम कम से कम आपको 20 प्रयोग बताएंगे, आप उनमें से कोई भी प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों दिमाग तेज करने के लिए सबसे जो सफल प्रयोग है उसमें 8-10 बादाम को शाम के समय किसी कांच के बर्तन में भिगो कर रख दें। सुबह उनको छील कर उतार कर बारीक पीस लें। अगर आंखें कमजोर हों तो साथ ही 4 काली मिर्च पीस लें। अब इसे उबलते हुए 250 ग्राम दूध में मिलाएं। अब ये दूध 3 बार उफन जाए तो नीचे उतार कर 1 चम्मच देसी घी और 2 चम्मच बूरा या चीनी मिलाकर ठंडा करें। पीने लायक गर्म रह जाने पर इसे जरूरत के मुताबिक 15 दिन से 40 दिन तक लें। ये दूध मस्तिष्क और स्मरण शक्ति की कमजोरी को दूर करने की अचूक दवा है। दिमाग तेज करने का ये एक बेहतरीन उपाय माना जाता है। इसमें बादाम को बिल्कुल बारीक बारीक पीसना बहुत जरूरी होता है, जैसा कि पेस्ट होना चाहिए उस तरह का पेस्ट बनाकर ही आप इसे प्रयोग में लाएं। ये तो रहा एक बादाम का प्रयोग जिसमें आपकी आंखें भी तेज होंगी और आपका मस्तिष्क भी तेज होगा। अगर आप किसी कारणवश ये नहीं कर पाते हैं तो हम आपको दिमाग तेज करने के कुछ और तरीके बता रहे हैं, आप उनको भी कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ब्राह्मी का आपने नाम सुना होगा। ब्राह्मी दिमाग तेज करने की दवा है जो दिमाग की नसों को मजबूत करने का काम करती है। इसके लिए आप रोजाना 2 चम्मच ब्राह्मी 2 चम्मच गर्म पानी में मिक्स करके लें। इसे आप जरूर करें, ये दिमाग की कमजोरी को खत्म करेगा और आपके जो बौद्धिक विकास है उसको तीव्र करेगा। अगला है रोजाना हल्दी का सेवन करें। आप चाहे जो खाएं उसमें हल्दी जरूर मिलाएं, क्योंकि हल्दी हमारे मस्तिष्क की मरी हुई कोशिकाओं को जीवित करती है, इससे दिमाग तेज होता है। अगला है अगर आपको नींद नहीं आती है, डिप्रेशन के शिकार हैं, तो आप मरीन केसर का उपयोग करना शुरू कर दें। दिमाग को शक्तिशाली बनाने के लिए ये जरूरी है कि आप उसे पूरा आराम दें, इसलिए रोजाना 8 घंटे की नींद अवश्य लें। अगला है 2 चम्मच शंख पुष्पी को 1.5 कप गर्म पानी में मिक्स करके खाएं। ये भी ब्राह्मी की तरह दिमाग को तेज करती है। अगला प्रयोग देखिए, रोजाना रात को सोने से पहले 2 चुटकी दालचीनी के पाउडर को शहद में मिलाकर खाएं। 1.5 कप दूध लेकर उसे गर्म करें और उसमें 1.5 चम्मच जटामासी मिला लें। इस तरह इस प्रयोग को दिन में 2 बार करें। ये कमजोर दिमाग का इलाज करता है और याददाश्त को भी बढ़ाता है। अगला प्रयोग देखिए, रोजाना जायफल खाने से भूलने की बीमारी का इलाज होता है। अगर आप भी बार बार भूल जाते हैं तो दिमाग को तेज करने के नुस्खे में हल्दी और जायफल का प्रयोग अवश्य करें। अगला प्रयोग देखिए, 1 चुटकी केसर दूध में मिलाकर रोजाना पिएं। भूलने की बीमारी दिमागी कमजोरी को दूर करेगा। केसर हर तरह से दिमाग को तेज करने के लिए फायदेमंद है। अगला प्रयोग देखिए, अखरोट खाने से भी दिमाग शक्तिशाली बनता है, कई परीक्षणों में ये स्पष्ट हो चुका है, इसलिए आप रोजाना अखरोट का सेवन शुरू कर दें। अगला प्रयोग देखिए, आंवले का रस रोजाना सेवन करने से भी दिमागी शक्ति बढ़ती है। आप आंवले के रस में शहद मिलाकर भी सेवन कर सकते हैं। दोस्तों ओमेगा 3 फैटी एसिड जिन चीजों में मिलता है उन चीजों का सेवन करें, जैसे मछली अखरोट, ये भी आपके दिमाग को तेज करने की प्रभावी दवा है। दोस्तों अगर आपने अपने उल्टे हाथ से काम करना बंद कर दिया है तो आप उल्टे हाथ से काम करना शुरू कर दीजिए। मसलन जैसे कोई भी सामान अगर आप उठा रहे हैं तो आप उसे उल्टे हाथ से उठाइए, ये आपके सुस्त पड़े दिमाग को सक्रिय करेगा, नई कोशिकाएं बनाएगा जिससे दिमाग तेज होगा। इसके लिए आप कुछ कुछ उल्टे हाथ से लिखना भी शुरू कर सकते हैं। अगर आप ऑफिस वर्कर हैं तो काम करते वक्त आप 2 से 5 मिनट आंख बंद करिए, थोड़ा विश्राम शुरू करिए, आंखों को विश्राम दीजिए, इससे दिमाग शांत होगा और दिमाग तेजी से काम करने लगेगा। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, पानी हमारे शरीर में तरलता बनाए रखता है जिससे दिमाग तेज होता है और डिप्रेशन से हमें बचाता है। अगला है 15 ग्राम अखरोट और 12 ग्राम किशमिश मिलाकर खाएं। रोजाना अलसी के बीज खाएं और चाहें तो आप गुड़ में 25 ग्राम तिल मिलाकर रोज खा सकते हैं। दोस्तों आयुर्वेद समाधान के ये जो नुस्खे हैं इनमें से आप कोई भी जो आपको उचित लगे आप कर सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है। आपका दिमाग कंप्यूटर की तरह तेज हो जाएगा और आज से ही करना आप इसे शुरू कर दीजिए। दोस्तों आयुर्वेद समाधान जीवन जीने की एक पद्धति है जिसमें बताए गए नुस्खे वैद्यों की राय के मुताबिक होते हैं। जीवन को निरोग बनाने के लिए सब्सक्राइब लाइक और शेयर कीजिए आयुर्वेद समाधान, क्योंकि आयुर्वेद समाधान है हर रोग का निदान।